आज ग्राम पंचायत तलेनी में भ्रष्टाचार पर विराम नहीं लग रहा है। सरपंच मोड सिंह के साथ साथ सचिव यशवंत सिंह और जी आर एस जी संजय तलेनी भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। गोपनीय सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि सरपंच तो बहुत ही अपने और अपने भाई के बिल लगाकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं सचिव और जी आर एस भी सहयोगी है। सरपंच अपने दबंग नाम से जाने जाते हैं और जीआरएस और सचिव अपनी चालाकी और चतुर बुद्धि के काम से जाने जाते हैं, जो ग्रामीणों की नज़र में हीरो हैं। वहीं पंचायत तेलिनी में बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भारत न्यूज़ टीवी खबरों की पड़ताल और केएनएन मीडिया न्यूज़ चैनल और दैनिक उज्ज्वल ग्वालियर प्रिंट मीडिया राजधानी तक ने बार बार भ्रष्टाचारी जानकारी और खबरें दिखाई गई। सूत्रों से यह भी मालूम पड़ा है कि जिस जिस ग्रामीण के घर में पानी जा रहा है उस ग्रामीण को भी धमकाया गया है कि तुम बार बार मीडिया से संपर्क ना करें, लेकिन अभी तक तलेनी भ्रष्टाचारी पंचायत पर विराम नहीं लगा और नहीं अभी तक ऐसी भ्रष्टाचारी पंचायत पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। जो पानी जानबूझ के निकाला गया सरपंच द्वारा, क्योंकि नाली निर्माण जो नाली निर्माण होना चाहिए था जबरदस्ती पानी निकाला जाएगा। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये पास में जो बना हुआ है इसका थोड़ा सा नाली निर्माण किया और पूरा पानी निकाल यहाँ पर रोक दिया, जबकि यहाँ तक नाली निर्माण होना चाहिए। यहाँ पे नाली निर्माण होना चाहिए वहाँ तक जो क्या समस्या है नाली निर्माण करना बंद कर दिया और ये जो पानी जो अंदर भरा हुआ है आपके मकान के सामने आपको काफी इतनी परेशानी है कि हम रात को लाइट नहीं रहती है तो सो नहीं सकते हैं। बच्चे भी बीमार होंगे, आपके बच्चे भी बीमार हो, कली में मच्छर काटता है बेचारा, ठंडे के बुखार आई बहुत बड़ी समस्या है। जिले में आती है शाजापुर जिले में सरपंच द्वारा तो पूरा निकाल लिया गया है आपके यहाँ का, लेकिन जो नाली का निर्माण अधूरा किया गया है। ये नाली में आपको बताऊं देखा है हमने जी, और ये देखो आप मौका पे मेरे घर के सामने ही पानी भरा है, अभी भी भरा है, और जो पानी गिरता है जब तो मेरे को ये संभावना है कि ऐसा नहीं हो कि घर में घुस जाए, इतने परेशान है, बारिश भर हमको नींद भी नहीं आती है। कौन है सरपंच आपके? वो खेड़ी का है, मोड़ सिंह प्रतिनिधि है वो। हाँ सरपंच जी, सर हाँ उनके भाई की वाइफ है नाम प्रसाद भाई, लेकिन प्रतिनिधि का काम वही करते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? ब्रह्मानंद बेला जी। सरपंच के साइन की आवश्यकता पड़ती है, सरपंच मंत्री सचिव की उनके घर जाना पड़ता है, उनके घर जाना पड़ता है, लेकिन पंचायत को नहीं खोलते हैं। अभी जो सरपंच साहब द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर एक चबूतरे का निर्माण करवा है नव निर्माण, उसके बाद में सीसी रोड बना गया, तो ये आपके गांव में कार्य हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, 7 साल के पहले अभी बात में कोई कार्य नहीं हुआ। तो इस प्रकार के तो बिल को लगाए गए सरपंच द्वारा, वो जो है उनके हिसाब से लगाया गया, इस गाँव में तलेनी पंचायत में कोई काम नहीं हुआ 7 साल के। अभी जो तलेनी पंचायत में आप कौन सा विकास करने की आवश्यकता है सबसे पहले? यहाँ पे सर वो जो टंकी बनी वो पानी की व्यवस्था भी नहीं, इसके बाद गाँव में पूरा में खींचा रहा, नाली भी नहीं बनी, नाली निर्माण भी नहीं हुआ, मतलब जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा लागू की सरकार द्वारा की योजना का कोई उपयोग नहीं हो रहा, ना कोई योजना धरातल पे लाई जा रही है, कुछ भी नहीं रहा। अभी एक साल होने वाला है लेकिन सरपंच द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। अच्छा मोड़ सिंह जी, लेकिन पंचायत में नहीं दिखाई देते हैं आपको? महिला है जो राम प्रसाद, वो कभी आपको पंचायत में दिखे? नहीं देखे। और जो प्रतिनिधि है मोड़ सिंह जी वो भी पंचायत नहीं, नहीं नहीं। तो बच्चों को और आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी तो नव निर्माण भी नहीं हुआ पंचायत, लेकिन निकाला जा रहा है। आपका नाम क्या है? गौतम सिंह जी। ओके धन्यवाद सर।